मोदी जी का मेरे पास कोई अच्छा गिनती है ही नहीं। नहीं, धर्म को पॉलिटिक्स में नहीं लाइए ना, धर्म को दिल में लाना चाहिए ना। अगर कोई भी धार्मिक बात करता है वो किसी धर्म का हो तो क्या गलत करता है भाई? पॉलिटिक्स में तो सिर्फ पैसा ही है। हाँ, लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए काम नहीं कर रहे। नहीं, आई थिंक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली के लिए, कि रिलीजन पे बेस्ड काम नहीं किया, उन्होंने जेन्युइन काम भी करे हैं। ये बालिका कह रही थी कि यदि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसको वोट देगी। अरे जिंदगी में कभी नहीं बनेंगे। नहीं, ये तो रियलिटी है ना कि वो नहीं बनेंगे, बिकॉज इंडिया में सिर्फ रिलीजन चलता है और रिलीजन सिर्फ मोदी जी चला सकते हैं सबसे अच्छे से। धर्म जो है एक एक कण में होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे घर हो। क्या क्या दिक्कत है आपको मोदी जी से? सारे गवर्नमेंट की चीज प्राइवेट सेक्टर में चला गया भैया। अच्छा। और क्या बचा? राहुल गांधी में कम से कम देश के ऊपर इतना कर्ज तो नहीं था ना। भारत की राजनीति में युवा क्यों नहीं है? क्योंकि युवाओं से केवल झंडा उठवाया जाता है। जो राहुल गांधी को तो लोग युवा कहते हैं, युवा को मौका मिल 50 साल का युवा है। क्या उनमें मेरिट है कि उनको मौका दिया जाए? स्टोव में कभी कोयला डालते हैं, कभी आलू से सोना निकालते हैं। जो 500 देता उसे वोट देता हूँ मैं। 500 जो देता उसको वोट देता हूँ, पैसे लेके वोट देता हूँ। अच्छा, जॉब नहीं लगेगा तो फिर सवाल मत करना गवर्नमेंट से। अच्छा, 2024 में किसको प्रधानमंत्री बना रहे, किसको वोट कर रहे हैं? मोदी को बनाएंगे हम। राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? 60 साल ने ये काम करा तो आज तक मोदी जैसे काम करा उनने। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरें भारत में। जी हाँ, 2024 आ चुका है और इलेक्शन बहुत ही करीब है, तो कौन बैठेगा 2024 में प्रधानमंत्री के गद्दी पर? आइए कुछ युवाओं से जानते हैं। जी हाँ, अभी तो फिलहाल दो चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। तो आइए पूछते हैं इन युवाओं से कि भाई इनका क्या रुख है, ये किसको वोट करने वाले हैं 2024 इलेक्शन में, ये किसको पसंद कर रहे हैं और कौन इन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और बताइए, 2024 में किसको वोट करने वाले हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना है। आईडी कार्ड नहीं, नहीं। उम्र क्या है आपकी? 18 बनवा लीजिए, दाढ़ी वोड़ी आ गया है भाई। अच्छा, आप बताइए किसको वोट कर रहे हैं आप? मेरा भी नहीं बना है। आपका भी नहीं बना है? आपका मोदी जी को। मोदी जी को कर रहे हैं जी। राहुल गांधी को क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? बस इतना ही बोलना है और कुछ नहीं। बस ज्यादा कुछ नहीं बोलना। नहीं, नहीं बोलना। अपने दोस्तों को सबसे पहले थोड़ा जागरूक करिए, इन लोगों की उम्र लग नहीं रही 18 साल, इन्हें पहले वोटर आईडी कार्ड बनवाइए और बोलिए कि ये लोग वोट करें। आइए कुछ युवा हमारे साथ यहाँ भी बैठे हुए हैं और ये लोग बैठ के आई थिंक गाने का आनंद ले रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि भैया 2024 में किसको वोट कर रहे हैं आप? मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ जी। राहुल गांधी को क्यों नहीं आप लोग मौका दे रहे हैं? इनसे पूछ सकते हैं आप। उनसे पूछे, शर्मा रहे हैं आप। किसको वोट कर रहे हैं भैया आप? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। मोदी जी को क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा ना, करप्शन दूर हो जाएगा भैया। क्या क्या दिक्कत है आपको मोदी जी से? दिक्कत तो दिख ही रहा भैया, आपको भी हमको भी दिख रहा है। बताइए ना। सारे गवर्नमेंट की चीज प्राइवेट सेक्टर में चला गया भैया। अच्छा। और क्या बचा? राहुल गांधी में क्या अच्छी बात लगती है कि आप राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं? राहुल गांधी में कम से कम देश के ऊपर इतना कर्ज तो नहीं था ना। अच्छा, इसमें कर्ज है? बहुत ज्यादा कर्ज। और पहले डेवलपमेंट था? डेवलपमेंट पहले भी था और अभी है। अभी भी है, मतलब मानते हैं डेवलपमेंट? हाँ, डेवलपमेंट नहीं पर कर्ज है ज्यादा। मतलब राहुल गांधी को वोट देना है, पूरा क्लियर है? यस सर। मोदी जी को दो चार और अच्छाइयां गिनवा दीजिए राहुल गांधी, और कुछ बुराइयां गिनवा दीजिए मोदी जी। मोदी जी का मेरे पास अच्छा है तो वोट करें। मोदी जी का मेरे पास कोई अच्छा गिनती है ही नहीं है मेरे पास, नहीं उसके उसके बारे में कुछ कुछ भी। आपको उनसे कोई जनधन योजना या फिर सुकन्या कुछ भी आपको नहीं पता, या फिर आयुष्मान भारत? आई डोंट नो भैया, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। मतलब आप राहुल गांधी को तो भाई हैं, ये राहुल गांधी को वोट देंगे? अच्छा, 2024 में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं? मोदी को बनाएंगे हम। राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? 60 साल ने ये काम करा तो आज तक मोदी जैसा काम करा उनने। मोदी जैसा काम करा उनने। मीर मुसरा है, जय श्री राम। अच्छा, कुछ हमारे युवा है, देखिए एकदम एमसी स्टैन लग रहा मेरा भाई। नहीं, किसको वोट कर रहे हैं? मैं वोट ही नहीं देता। वोट नहीं देते? नहीं। उम्र क्या है तुम्हारी? 20 साल है, वोट नहीं देते हो? नहीं। क्यों? जो 500 देता उसे वोट देता हूँ मैं। 500 जो देता उसको वोट देता हूँ, पैसे लेके वोट देता हूँ। हाँ। अच्छा, जॉब नहीं लगेगा तो फिर सवाल मत करना गवर्नमेंट से कि 500 रुपए लेके हम दिए। आइए इनसे बात करते हैं, किसको वोट कर रहे हैं आप? हम नहीं बताएंगे, हम डिस्प्रेशन में है अभी। डिस्प्रेशन में? आप किसको वोट कर रही हैं? मेरे पास वोटर आईडी कार्ड अब तक आया नहीं। उम्र क्या है? 19। 19? तो क्यों नहीं बनवाया आपने? बना, आया नहीं अब तक। अच्छा, आएगा, आएगा तो किसको इस बार वोट कर रही है? दो बार किसी को नहीं। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कोई अच्छा नहीं लगता दोनों में से? तो कोई भी नहीं। हाँ, कोई नया चाहिए भाई आप? लेकिन भैया तो डिस्प्रेशन में आप। पैसा आएगा तो भैया डिस्प्रेशन से हट जाएंगे ना, और पॉलिटिक्स में तो सिर्फ पैसा ही है।
है ना। अच्छा ये लोग युवा हैं और इनका मानना है कि पॉलिटिक्स मतलब पैसा है ना। हाँ सारे लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हाँ इसके लिए काम नहीं कर रहे। नहीं आई थिंक अरविंद केजरीवाल कर रहा है दिल्ली के लिए। अच्छा वो यदि उठे प्रधानमंत्री तो उनको वोट देंगे। हाँ अच्छा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है फ्री में सब कुछ दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पानी। हाँ पर उन्होंने काम किया है, उन्होंने सिर्फ लाइक रिलीजन पे बेस्ड काम नहीं किया, उन्होंने जेन्युइन काम भी करे है। वो इलेक्शन में उठेंगे तो आप वोट करेंगे? अरविंद केजरीवाल पूरे इंडिया को फ्री कर देगा फिर, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री। फ्री चाहिए आप लोगों? नहीं ये कह रहा हूँ वो अगर प्रधानमंत्री बन गया फिर तो सब फ्री हो जाएगा, फिर हम टैक्स भरेंगे किसमें कब रहे हैं भाई, फिर तो गरीबी चली जाएगी ना, सब कुछ फ्री हो जाएगा, देश और ज्यादा देश लुट जाएगा। तो सिंपल अगर आप बोल रहे हो गरीबी चली जाएगी। अच्छा अब एक युवा को सुनिए हम लोग, अब यहाँ पे थोड़ा तजुर्बा को सुनते हैं, एक युवा को सुनिए अब तजुर्बा को। 2024 इलेक्शन में किसको वोट कर रहे हैं आप? अरे भैया हम तो मोदी जी के भगत हैं। भक्त है? हाँ। क्या चीज अच्छा लगता है? राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं दे रहे आप? अरे क्या आप टेस्ट मत खराब करिए, टेस्ट मत खराब करिए। मोदी मेलर मौका उन्हें भी दीजिए। क्या उनमें मेरिट है कि उनको मौका दिया जाए? स्टोव में कभी कोयला डालते हैं, कभी आलू से सोना निकालते हैं, बताइए आगे से अच्छाई क्या है? ठीक है नरेंद्र मोदी के कामों का 10 काम गिनवा दीजिए, क्या अच्छाई है गिनिए। आप लोग सुनिएगा, मैं एक किसान हूँ, सम्मान निधि नंबर एक किसान सम्मान निधि, सबको गैस का कनेक्शन पहुँचाना नंबर दो, सबको आयुष्मान कार्ड देना जो उस योग्यता में है तीन हुआ, नंबर चार सबको जो है अन्न योजना के तहत जितने गरीब हैं 80% इस देश की जनता को अन्न देना, समझ रहे हैं ना। और कितना मैं आपको गिनाऊं अभी, सबको आवास देना, शौचालय देना। अच्छा ये बालिका कह रही थी कि यदि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसको वोट देगी है। अरे जिंदगी में कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। अब बताइए दिल्ली से भी नहीं, ये तो नहीं, ये तो रियलिटी है ना कि वो नहीं बनेंगे बिकॉज इंडिया में सिर्फ रिलीजन चलता है और रिलीजन सिर्फ मोदी जी चला सकते हैं सबसे अच्छे से। तो रिलीजन बता नहीं कह रही है कि धार्मिक चीज है, बताइए। अच्छा ये बताइए, यह बताइए, नहीं 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 मेरी बात सुनिए, यह भाई साहब अगर अगर कोई भी धार्मिक बात करता है वो किसी धर्म का हो तो क्या गलत करता है भाई? आप बोलिए अधर्म ठीक है गलत है धर्म? नहीं धर्म को पॉलिटिक्स में नहीं लाई ना, धर्म को दिल में लाना चाहिए ना। सुनिए सुनिए, धर्म जो है एक एक कण में होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे घर हो, चाहे जो है समाज हो, हर जगह जो है धर्म की स्थापना होनी चाहिए, इसलिए कि गीता में भगवान। तो देखिए देखिए एक तरफ तजुर्बा है और एक तरफ बालिका है और दोनों में झड़प हो गई किस चीज को लेके, धर्म को लेके, पॉलिटिक्स को लेके बातचीत चल रही है। आपका क्या मानना है, आप किसको वोट कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में खाली जगह भाई साहब भर दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।